हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम भी अच्छे हैं। आप सबका हमारे शो आ गई रे चटोरी के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। हम फिर से हाजिर हैं एक अलग एक नई रेसिपी के साथ। तो आज हम आप सबको बना के खिलाने वाले हैं सुबह के नाश्ते में, जो सभी को बहुत पसंद आता है। वैसे सभी को पराठा, जो अलग अलग तरह के बनते हैं, सभी को पसंद आता है। लेकिन मैं आज सभी के लिए अच्छी और विटामिन प्रोटीन से युक्त मेथी का पराठा बना के खिलाऊंगी। और इसकी सारी जो रेसिपी होगी, मतलब बनाने की विधि होगी, उसको भी आप सभी को दिखाऊंगी। तो चलिए हमारे साथ हमारे किचन में, और आज हमारे साथ हमारा पूरा वीडियो देखना। और फिर आप अगर पसंद आया तो कमेंट करके ज़रूर से बताना कि कैसा लगा आज का हमारा ये रेसिपी। मेथी का पराठा बनाने के लिए हमें जो सामग्री की ज़रूरत होती है, हमने लिया है 250 ग्राम मेथी के पत्ते, और इसके साथ इसमें हमने 250 ही ग्राम लगभग आटा लिया है, हरी धनिया, हरी मिर्च, हल्दी, स्वादानुसार नमक, जीरा, अजवाइन और अदरक। और हमने मेथी को पहले पानी से अच्छी तरह से धो लिया है, इसके बाद रखा हुआ है। अब हम मेथी को छोटे छोटे बारीक टुकड़ों में काट लेंगे। अब हम हरी धनिया को बारीक से काट लेंगे छोटी छोटी में टुकड़ों में। इसके बाद हरी मिर्च को भी बारीक से काट लेंगे। अदरक को भी कद्दूकस की सहायता से बारीक छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे। अब हम आटे को कटी हुई मेथी में मिक्स करेंगे। और इसके बाद इसके जो सारे मिक्सर हैं, जैसे कि हल्दी, जीरा और नमक, अजवाइन, इस मिश्रण में मिला देंगे। इसके बाद इसको हम हल्का थोड़ा थोड़ा पानी की सहायता से, अब इसको हम जो सारे मिक्सर हैं, मतलब सारे मसाले को हम गूथ लेंगे। और अब देखो, हमने इसको सारे मसाले को गूथ लिया, मतलब आटा और मेथी को गूथ लिया है। अब इसको हम 5 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। अब हम टमाटर की सॉस, मतलब टमाटर की चटनी, चलो ये बना लेते हैं। तब तक तो सबसे पहले हम एक छोटे से भगोना या बाउल में पानी डालेंगे, और इसमें 2 टमाटर और 4 मैंने लाल मिर्च डाल के पानी को गैस पे बाउल में डाल के टमाटर को रख दिया है उबलने के लिए। अब ये 5 से 7 मिनट में उबल भी जाएगा। तो देखिए ये उबलने लगा है, और अब ये उबल गया है टमाटर। तो हम इसको गैस को बंद करके नीचे उतार लेते हैं, और ठंडा हो जाने पे इसके जो छिलके हैं टमाटर के, वो छील के कद्दूकस की सहायता से हम इसको कस लेते हैं। देखो, मैंने टमाटर को कद्दूकस की सहायता से कस लिया। आप अपने अनुसार टमाटर ले सकते हैं, कि घर में जितने मेंबर हो उसी के हिसाब से हमने थोड़ा ही बनाया है। और इसके साथ हमने मिर्च को भी कद्दूकस कर लिया है। अब हम छोटी सी पैन या फिर कढ़ाई में गैस पे रख के थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, और इसमें जीरा और लहसुन को डाल के, अब देखिए हम इसमें टमाटर को डाल रहे हैं। अब 3 से 4 मिनट इसको ऐसे धीरे धीरे पकाएंगे इसमें।
अब इसमें मैंने स्वादानुसार नमक डाल दिया और इसको अब अच्छी तरह से मिलाते हुए 3 से 4 मिनट पका रहे हैं। और अब जो मैंने हरी धनिया लिया था उसको भी बारीक से काट के इसमें डाल देते हैं। अब ये देखिए लगभग पक गया है, तो हम इसको नीचे उतार लेते हैं और एक छोटे से कटोरी या किसी बर्तन में इसको सर्व के लिए निकाल लेते हैं। 5 मिनट हो गए जो मैंने मेथी का पराठा बनाने के लिए जो आटा को गूंथ के रखा हुआ है, मेथी भी है उसमें। अब ये गैस ऑन करने के बाद हम तवे रखेंगे पे, मैं थोड़ी सी ऑयल लगा दे रही हूँ। अब देखिए मैं एक बेलन की सहायता से ये छोटे छोटे टुकड़ों में इसको हम बेल लेते हैं। इसको अपने आकार से शेप दे सकते हो, जैसे पराठा बनाते हैं हम सादा पराठा वैसे भी बना सकते हो, या फिर गोल में इसको बना सकते हो। तो ये देखिए इधर ये एक तरफ हो जाने के बाद दूसरी तरफ हम इसको पलटते हैं और उसमें ऑयल डालते हैं। इसके बाद दोनों तरफ हम पलट पलट के अच्छी तरह से मेथी का पराठा बना लेते हैं। हेलो दोस्तों, ये हमारा मेथी का पराठा, ये देखिए ये बनके तैयार हो गया है। और अब हम इसको चेक करके आप सभी दोस्तों को बताते हैं कि कैसा बना है। इसके साथ हमने ये टमाटर की सॉस मतलब चटनी भी बनाई हुई है, तो चलिए हम इसको टेस्ट करते हैं और फिर आपको बताते हैं कि कैसा बना है। बहुत ही अच्छी जैसे इसकी खुशबू आ रही है ऐसे ही इसका स्वाद भी लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। खाने में इसका स्वाद ना बढ़ ही जा रहा है, जैसे देखने में इतनी सुंदर, देख रहे हैं आप इतनी सुंदर लग रही है, खाने में तो और अच्छा लग रहा है। तो प्लीज़ आप सब भी अपने घरों में सुबह के टाइम में नाश्ता में ज़रूर से इसको शामिल करें। अगर आप लोगों को ये हमारी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और हाँ कमेंट करके हमें ज़रूर से बताना कि कैसा लगा हमारा ये आज की रेसिपी और आज का खाना। सो फिर हम मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ अलग नई डिश के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।